छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी का पुलिस अधिकारियों को गाली देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनकी कार को पुलिस द्वारा रोके जाने पर वे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि कांग्रेस नेता चरण सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन पर कार्रवाई हुई ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। यह वीडियो 28 तारीख की रात का है, जब बड़ा मलेरा उपचुनाव की वजह से भंगवा थाने पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। वहां कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी की कार को पुलिस चेकिंग के लिए रोका जाता है, जिस पर विधायक पुलिस से उखड़ जाते हैं और फिर मौजूद पुलिस के अधिकारियों पर वह धमकी देते हुए गाली गलौज करने लगते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। उनको उनको जनाधार घटना नजर आया तो जो घटनाक्रम चरण सिंह यादव जी के साथ हुआ, ये अचानक सारे घटनाक्रम कैसे हो जाते हैं? कल की ही घटना है, परसों चरण सिंह यादव जी आदरणीय कमलनाथ जी के मंच पर कांग्रेस में आते हैं, कल हम लोगों की कार्यकर्ताओं की बैठक में चरण सिंह जी शामिल थे, हम लोग वापस लौट रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, जो आपके उदाहरण बता रहा हूं, मुझे भगवा थाने के सामने रोका गया और ये कहा गया कि एसडीओपी का पॉइंट है और आपको यहां रोकने के लिए कहा गया। अरे भाई, विधायक की हैसियत से परमिशन है मुझे, मेरे पास में चुनाव का समय चल रहा है, कांग्रेस का विधायक हूं और मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। आपकी जो प्रक्रिया जांच की प्रक्रिया है, आपको गाड़ी देखनी है, जांच करनी है, आप वो कर लीजिए, लेकिन वहां मुझे रोका गया। इसके बाद वहां दूसरी तरफ भगवा थाने पर मुझे रोका गया, ग्वारा थाने की वहां पर चरण सिंह को रोका गया और चरण सिंह के ऊपर जबरदस्ती रात को ही भगवा थाने में प्रकरण दर्ज कर दिया गया और 24 घंटे भी नहीं हो पाए। सुबह सुबह उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर, चरण सिंह यादव के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। ये कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सा तरीका है? कानून भी अपनी सारी चीजों पर कार्रवाई करता है। वहीं एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है, इसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो को विवेचना में लिया गया है। चरण सिंह यादव को लेकर सचिन शर्मा ने कहा कि चरण सिंह यादव पर दूसरे प्रदेशों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको देखते हुए कार्रवाई की गई है और सहयोग करने की बात कही गई थी ताकि चुनाव को लेकर किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। उधर चरण सिंह यादव ने इन सब से इनकार करते हुए प्रशासन पर कई आरोप लगाए। इसकी कोई हमें जानकारी नहीं, क्या घटना हुई, कब हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं। आदरणीय एसएसपी महोदय, पूरे देश में, पूरे संसार में चरण सिंह के खिलाफ एक मुकदमा किसी अदालत में चल रहा हो, आप जाके पता कर लें। ये आप वो चीज कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने नहीं करी इस देश में। इससे पहले जो है, जब हम अभी कभी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सुनाई देता है कि जो भी कोई क्रांतिकारी, जो भी कोई सच्चाई की आवाज, जो भी कोई नैतिकता के साथ खड़ा हो जाता था तो उसको किसी तरह से प्रताड़ित करके और जेल भेज दिया जाता था। ये वही दिन, वही समय याद कर रहे, उसी इतिहास को जो पढ़ते हैं वही सामने आ रहा है। ऐसा दिन इस हिंदुस्तान में होगा जहां लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है? आप चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? आप वैसे ही बना दो, 50-50, 30-30 करोड़ से खरीद रहे और खरीद लो, मरवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा शरीर इस देश के काम में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए, हम तैयार हैं। हंसते हंसते फांसी का फंदा लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 100 चरण सिंह पैदा हो जाएंगे। चेतन अपराधी चरण सिंह यादव, जिनके यूपी में 2 जिलों में, खासकर झांसी और लखनऊ में आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो कि डकैती व एनएसए के हैं, उसी तरीके से एक अपराध हरियाणा में दर्ज है। सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति यहाँ पे भी चुनाव को प्रभावित कर सकता है। चेकिंग के दौरान इन्होंने जो वहाँ पे एफएससी लगी थी, कर्मचारी थे और पुलिस वाले थे, उनके साथ बदतमीजी की, जिनके वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसी के आधार पे कार्रवाई की गई है। और इनाम उद्घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि ये चुनाव का समय है और कोई भी अपराधी इस समय पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।